सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में बड़ी ई की मात्रा करने जा रहे हैं। कल हमने कक्षा में छोटी ई की मात्रा की थी बेटा। एक होती है छोटी ई की मात्रा और एक होती है बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जो होती है वो हमेशा शब्द से पहले आती है, ठीक है, शब्द से पहले आती है। और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो शब्द के बाद आती है, ओके, वो हमेशा शब्द के बाद आती है। और छोटी की मात्रा को बोलने में कम समय लगता है। ये देखो, किला, किला बोला हमने, इसमें कम की आवाज आई। और बड़ी की मात्रा में थोड़ा लंबा समय लगता है। जैसे देखो, कील, कील, ये ई की आवाज हमारी लंबी जाएगी तो ये कील बन गया, ओके, ठीक है। अब ऐसे ही छोटी की मात्रा में अगर मैं लिखती हूं किरण, किरण में कम की 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 आवाज आई। और अगर बड़ी की मात्रा में मैं लिखती हूं खिली, खिली यानी लंबी मात्रा आई, तो ये होगी बड़ी की मात्रा, ठीक है बेटा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और वर्ड्स भी हैं जो मैं अभी हम करने जा रहे हैं। जैसे कि अब आप ये देखो, यस, कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। चीनी, च ई नी ई, चीनी। दीवार, दीवार। मीनार, मीनार, यानी हमने लंबी आवाज खींची है तो वो क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। मछली, बकरी, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अगर हम छोटी की मात्रा में लिखते हैं खील, खिल, और ये होता है खील, ओके, तो ये हो गया बड़ी की मात्रा। आगे है बिन, फिर आगे है इसमें हो गया बड़ी की मात्रा में बीन, ठीक है। फर्क पता लग गया आपको, दिन, दीन, पीला, पीला, ये आपको पता लग गया बड़ी की मात्रा के फर्क। यस, ये सारे हमारे जो हैं ये बड़ी की मात्रा के फर्क है, ओके। छोटी और बड़ी में क्या फर्क है आपको पता लग गया। अब आगे चैप्टर देखो, की, गी, ची, मी, ली, सी। एक किरण आई, कली जाग गई और खिल गई, कली जब खिली तितली भी आ गई। ये सब बड़ी की मात्रा नजर आ रही है ना। चिड़िया ची ची करती उड़ रही थी, गिलहरी भी बगिया की ओर आ गई, सबकी नजर कली पर पड़ी, तितली नाच रही थी, चिड़िया गाना गा रही थी, गिलहरी ताली बजा रही थी, ठीक है, कली भी खिलखिला रही थी, ओके। आगे वर्ड्स देखो, चीनी, दीवार, मछली, छिपकली, लीची, मीनार, बकरी, गिलहरी, सीटी, दीपक, बगीचा, नाशपाती, सीप, दिवाली, गलीचा, इमरती, शीशा, इमली, पनीर, तरकारी, ठीक है बेटा। ये छोटी की मात्रा के शब्द हैं, ये आप अपनी बुक से रीड करोगे, ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके, धन्यवाद।